हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेबस जो है हमारा, फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स एंड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड, जिसमें क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से कहां है, न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर। और नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर किसका ज्यादा या किसका कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे और साथ में इसके हर प्रॉपर्टी के हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आना पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास और वेंटहोफ फैक्टर। तो वेंटहोफ फैक्टर से भी कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से कि सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, दो या तीन चीजों को आपस में जब मिक्स कर देते हैं, हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। हमने कुछ भी दो तीन चीजें ली, उनको आपस में मिक्स कर दिया, अच्छे से वो कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर बन जाता है। अगर वो मिक्सचर, देखो मिक्सचर बन गया हमारे पास कुछ मिक्स करने के बाद, तो मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है होमोजीनियस, एक हो जाता है हिट्रोजीनियस। दो टाइप का मिक्सचर प्रिपेयर हो सकता है, या तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हिट्रोजीनियस हो सकता है। अगर हमारे पास, हमने दो या तीन चीजों को मिक्स करके हमारे पास क्या बन के आए, होमोजीनियस मिक्सचर बन के आए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या हमने दो या तीन चीजों को मिलाया, हमारे पास क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो होमोजीनियस मिक्सचर को हमने पर्टिकुलरली नाम क्या दे दिया, सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ से डिफाइन करना चाहें हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, तो क्या होगा सॉल्यूशन, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। क्या होगा, दो या दो चीजों को मिला के हमारे पास जो मिक्सचर बना होमोजीनियस मिक्सचर, वो क्या है, सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन, कि दो और दो चीजों को हमने आपस में मिलाया, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाया, तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर अगर प्रिपेयर हो जाता है, तो हम उसको पर्टिकुलरली नाम क्या दे देते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज की हमने, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए कि हमने क्या किया, एक ग्लास में पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या किया, चीनी घोल दी, पानी के अंदर हमने चीनी घोली, अच्छे से मिक्स हो गई, वो मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, पानी के ऊपर से आप थोड़ा सा पानी टेस्ट करके देखिए, उसका मिठास चेक कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, आप पानी के नीचे वाले ग्लास से, मतलब आप ग्लास के नीचे से थोड़ा सा पानी लीजिए और उसका टेस्ट चेक कीजिए। तो आप टेस्ट को अगर चेक करेंगे या फिर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, तो क्या होगा, दोनों की क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, आपने टेस्ट चेक किया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऊपर वाला पानी ज्यादा मीठा होगा, नीचे क्या होगा, मीठा कम होगा, मीठा सारी जगह से सेम होगा। तो इसी टाइप से हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर भी वही होता है कि थ्रू आउट द मिक्सचर आपके पास क्या है, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या रहे, सेम रहे, तो वो वाला मिक्सचर हमारे पास कौन सा हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को अगर हम बोलना चाहें तो क्या हो जाएगा, द मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिमेन सेम थ्रू आउट। हमारे पास क्या हो, पूरे
कंडीशन जो उसने जिससे मिलके वो बना हुआ है और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या रहे, सेम रहे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन हमने देखा किससे मिलके बना हुआ है, दो और दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट से। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट को यहाँ पे सोल्यूशन में पर्टिकुलरली हम डिफाइन कर देते हैं, कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं यूज करेंगे, हम बोल देते हैं कि सोल्यूशन हमारा जो बना हुआ है दो चीजों से मिलके। सोल्यूशन क्या है, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, दो कॉम्पोनेंट से मिलके बना हुआ है। अगर हम दो कॉम्पोनेंट, तो हमारे पास क्या है, एक हो जाएगा सोल्यूट और एक हो जाएगा सॉल्वेंट। कॉम्पोनेंट को हमने पर्टिकुलरली यहाँ पे नाम दे दिया क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट, कि सोल्यूशन जो है हमारा किससे मिलके बना हुआ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। तो सोल्यूट क्या है, हमारे पास ऐसा कॉम्पोनेंट जो क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, द कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट। जो क्या है ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब ये था हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया सोल्यूट और सॉल्वेंट, कि सोल्यूशन जो है हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आ जाती है, टर्म क्या मतलब कि टाइप, सोल्यूशन जो है हमारे कितने टाइप के हैं, अकॉर्डिंग टू फेज हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन जो है हमारे पास तीन टाइप के हो जाते हैं, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। तो अब इन चीजों का पता कैसे लगाएं कि हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है या गैस सोल्यूशन है। तो देखिए, सॉल्वेंट जो है हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है ज्यादा क्वांटिटी में, तो जो जिस फेज में हमारा सॉल्वेंट लेंगे हम, उसी फेज में हमारा क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। तो मान लो अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, तो हमारे पास सोल्यूशन की फेज भी क्या हो जाएगी, लिक्विड, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। अगर हमने सॉल्वेंट सॉलिड ले लिया, तो हमारे पास सोल्यूशन की फेज भी क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो इसी टाइप से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी सोल्यूशन की फेज है कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। जिस फेज में हमारा सॉल्वेंट होगा, उसी फेज में हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, तीन है, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन है, तो सॉलिड सोल्यूशन से एक चीज तो पता चल गई कि हमारे पास सॉलिड है, तो मतलब सॉल्वेंट जो होगा इसका सॉलिड होगा। हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसका सॉलिड हो जाएगा। सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लिख देंगे, सॉलिड। सोल्यूट क्या ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, सोल्यूट क्या ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, और सोल्यूट को हम गैस भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन के आगे तीन टाइप के हो गए, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। तो सॉलिड सोल्यूशन भी कितने टाइप के हो गए, तीन टाइप के, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। ऐसे ही हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है, तो लिक्विड से पता चल गया कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है क्या होगा, लिक्विड होगा। तो भाई सॉल्वेंट को लिख दो लिक्विड, और उसके बाद यहाँ पे चेंज करते जाओ फेज को, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन भी तीन टाइप के हो गए, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस सोल्यूशन। गैसेस सोल्यूशन के लिए हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम
चेंज करते जाएंगे सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो हमारे पास क्या है, तीन टाइप के सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। वो भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ऐसे ही आगे हमारे पास तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड है। तो अब हमें क्या है, एक हमारे मन में ये होता है कि जो हमारे पास लिक्विड होंगे वही सॉल्यूशन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गैस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अब हमने क्या है, लेकिन हमें स्टडी किसकी करनी है, लिक्विड सॉल्यूशन की। जो हमारे सिलेबस में है ज्यादा डिटेल में हमें स्टडी करनी है किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। तो हम बार बार इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन के डिस्कस करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इनकी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कंसंट्रेशन को हम किस किस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम लोग कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड जानने के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन पढ़ते पढ़ते हम कंसंट्रेशन पे कैसे आ गए, कंपोजिशन हमारे पास क्या है, किसी भी चीज की बनावट। तो उसी टाइप से हमारे पास जब हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोई भी मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस हो जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो वहां पे हम कंपोजिशन की जगह क्या यूज कर लेते हैं, कंसंट्रेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम लोग कंपोजिशन की जगह पे हम क्या पर्टिकुलरली यूज करते हैं, कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो देखिए इसके भी दो टाइप है हमारे पास, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। देखिए क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन हम डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन को दो टाइप से, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। की हमारे पास सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है, कितना उसमें सॉल्यूट है, कितना उसमें सॉल्वेंट है, उसके बेसिस पे जो हम बनाते हैं वो क्या है, क्वालिटेटिवली, ठीक है। और क्वांटिटेटिवली क्या है, हमारे पास क्वांटिटी के बेस पे जो हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, हमारे पास उसके अलग अलग तरीके हैं जानने के, परसेंटेज, परसेंटेज में भी हमारे पास आगे आ जाते हैं मास और वॉल्यूम परसेंटेज, कि मास बाय मास हो हमारे पास, यस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो परसेंटेज निकालनी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन को मेजर करने के, इसको एक्सप्रेस करने के क्या है, तरीके है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वालिटेटिवली कौन कौन से, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो लोग हम लैब में भी पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जिसकी क्या है, ज्यादा सॉल्यूट जिसमें ज्यादा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें हमारे पास सॉल्यूट क्या है, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है, इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, सॉल्यूट जो है हमारा बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो हमारे पास वो सॉल्यूशन कौन सा हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, जिसमें क्या है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है हमारा क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन को भी हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। और क्वांटिटी के बेस पे अगर हमें एक्सप्रेस करना हो, तो हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज के बेसिस एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है, लेकिन ये आप होल कॉन्सेप्ट में अच्छे से करा चुके हैं, तो यहाँ से अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, अपना यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कि बस हमने यहाँ पे क्या देखना था, कि हमारा क्या है, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दो टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी दो टाइप और क्वांटिटेटिवली भी हमारे पास सेवरल मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास
नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, कि हमारे पास सोल्युबिलिटी क्या है। देखिए कि हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर हम कितना सल्यूट डाल सकते हैं, कि हमने कोई सॉल्वेंट लिया उसके अंदर हम कितना सल्यूट डाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, पानी लिया, पानी का एक ग्लास लिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीनी घोलना स्टार्ट करते हैं, चीनी को सल्यूट की तरह लेंगे और वो हमारे पास पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो उसमें चीनी घोलना स्टार्ट करते हैं। चीनी क्या होगी, एक टाइम तक तो घुलेगी, मतलब घुल जाएगी, लेकिन आफ्टर ए टाइम जब उसकी वो खत्म हो जाएगी कि अब ये इसके आगे नहीं घुल सकती, अब इसकी क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट हो गई, तो वो हमारे पास क्या है कि वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, वो चीनी नीचे की नीचे एज इट इज पड़ी रहेगी, ठीक है। तो वही है कि कितना, वही हम क्या बोलेंगे, कितनी चीनी हमारी, मैक्सिमम चीनी जो उस पानी के अंदर डिजोल्व हो सकी किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब हमने अब क्या लिया, अब नॉर्मल हम घोलते हैं तो कोई इसको गर्म करके तो नहीं घोलते ना, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। तो वही क्या है उसकी सोल्युबिलिटी, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हम सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व कर सकते हैं एट एनी गिवन टेम्परेचर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर इज नोन एज इज इट्स सोल्युबिलिटी। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबिलिटी इन
सॉलिड इन लिक्विड कि हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, एकदम उनकी इंटरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर में ही डिसॉल्व करेगा सॉल्वेंट में, और अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेगा। ठीक है, ये था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बारे में आपको ज्यादा और डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। कि हमारे पास अगर क्या है, यहाँ पे हमने क्या ले ली, गैसेस ले ली, कि हमारे पास गैसेस जो है कैसे डिसॉल्व होती है। तो देखिए, अब सारी की सारी गैसेस हमारे डिसॉल्व नहीं होती, मतलब हो जाती है वॉटर में, क्या होगी, O2 जो है हमारी, ऑक्सीजन जो है क्या है, कम सोल्यूबल होती है। लेकिन ऐसे ही हम HCl गैस ले तो वो क्या है, ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी वॉटर में। तो मतलब डिसॉल्व तो सब हो जाएंगी गैसेस, बट क्या है, कुछ क्या होंगी, हाईली सोल्यूबल होंगी, कुछ क्या होंगी, पार्शली सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या है गैसेस की, सोल्यूबल तो सब होंगी बट क्या है, कुछ कम सोल्यूबल होंगी, कुछ क्या होंगी, ज्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर बढ़ा दे गैसेस के केस में। हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज में इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे गैसेस को, तो वो नॉर्मली तो नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर तो हमें लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे तो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और वो उनके डिसॉल्व होने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, किसका, प्रेशर का, कि अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करते तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी में कितना इफेक्ट होगा। तो हम यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है कि सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, कि हम प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतनी हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक केस ध्यान रखना है कि इसमें गैसेज इन लिक्विड होगी, क्योंकि गैसेज क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो हम जितना प्रेशर लगाएंगे मॉलिक्यूल्स क्या है उसके पास पास आएंगे और उनके डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, इस टाइप से क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये वॉटर है या कोई भी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है, पिस्टन है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक हल्का सा वेट लगा दिया, प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमने वेट लगा दिया। ऐसे ही हमने एक और दूसरा बीकर ले लिया, उसमें हमने क्या किया, ऐसे पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है, ये भी पिस्टन है, ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है। अब ये जो पिस्टन है हमारा, पिस्टन क्या है, यहाँ से हमारे पास गैसेस जो है अंदर आ रही है, गैसेस डिसॉल्व होने के लिए आ रही है। देखो, जब हमारे पास क्या है, हमने छोटा सा वेट लगाया या फिर वेट नहीं लगाया, तो जितनी हमारी गैसेस जो है अंदर जाएंगी उतनी ही क्या है, इधर से बाहर भी निकल जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी। मतलब कि जितनी गैसेस पिस्टन ने एंटर कर लिया सॉल्वेंट में, उतनी ही गैसेस निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लिया हमने, पिस्टन में से हमारी गैसेस पास की, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे करके दो तीन वेट लगा दिए, हमने प्रेशर अप्लाई करने के लिए कुछ वेट कर दिया। ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर दिया बहुत ज्यादा, तो प्रेशर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, गैसेस जो है पास पास आ जाएंगी, जितनी एंटर तो बहुत सारी कर दी है, लेकिन जो लीव है हमारी कम कर पाएंगी, क्योंकि वो पास पास आ जाएंगी, हमारे पास क्या है, वो सॉल्वेंट की जगह कुछ घेर लेंगी, और सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास इनकी इंटरेक्शन बढ़ गई, सॉल्वेंट के साथ हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो क्या था, जब हमारे पास प्रेशर हमने नहीं अप्लाई किया या प्रेशर बहुत कम अप्लाई किया, तो हमारे पास जितनी पिस्टन से गैसेस एंटर कर रही है उतनी ही आराम से लीव कर जाएंगी। लेकिन जब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जितनी गैसेज एंटर कर रही है उसमें से कुछ कम्बाइंड होकर हमारी सोल्यूबल हो जाएंगी लिक्विड में, और बाकी कुछ जो है हमारी निकल जाएंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारे पास प्रेशर अप्लाई करने से क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो गैसेज एंड लिक्विड में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, प्रेशर का, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैसेज हमारी सॉल्युबल हो जाएंगी किसी भी लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हमारा क्या था, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था। इसी चीज को हेनरी साइंटिस्ट ने क्या किया,
हेनरी साइंटिस्ट ने इनको एक क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारे पास वो क्या बन गई, हेनरीज लॉ बन गई क्या। तो अब हमारे पास क्या है कि इसी चीज को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर दिया हेनरीज नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बोला, सोल्युबिलिटी जो है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर के। तो हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर लगा लो या फिर जो लगा लो, पार्शियल प्रेशर जो है इस टाइप से लिख सकते, पार्शियल प्रेशर जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, जितना प्रेशर उतनी सोल्युबिलिटी, ठीक है। अगर हम, अब क्या किया उन्होंने, सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर दिया मोल फ्रैक्शन से, कि अगर हम सोल्युबिलिटी को किससे एक्सप्रेस करें, मोल फ्रैक्शन से, अगर हम सोल्युबिलिटी को किससे एक्सप्रेस करें, मोल फ्रैक्शन से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, जो प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास आई, क्या आई, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट लिख दीजिए पहले, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को हमने किससे डिफाइन कर दिया, मोल फ्रैक्शन से। तो हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो हो गया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन के। तो ये हमारे पास हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट थी, क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास क्या आ जाता है, के एच एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास के एच था, ये क्या था, हेनरीज कॉन्स्टेंट, ये क्या है, हेनरी कॉन्स्टेंट। तो हेनरी लॉ क्या थी, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन के। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई, पी इज इक्वल टू क्या आ गया, के एच एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार प्रेशर और आपको क्या दिया होता है, मोल फ्रैक्शन दिया होता है, और हेनरी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना दिया हुआ होता है। तो इसकी अब करते हैं हम एक दो टाइप के न्यूमेरिकल, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको हेनरीज लॉ कैसे अप्लाई करनी है। न्यूमेरिकल है हेनरीज लॉ से, तो देखिए क्या है, इफ N2 इज बबल्ड फ्रॉम वॉटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉटर। Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48. So, देखिए हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिख लीजिए given, कि हमें given क्या है, given क्या है हमारे पास, कि हमने क्या है, assume that N2 exerts a partial pressure. तो हमें partial pressure दिया हुआ है N2 का, P दिया हुआ है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, 0.987 बार। और क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब कि हमारे पास के एच जो है दिया हुआ है कितना, 76.48 बार, हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हमें क्या है, पार्शियल प्रेशर और केएस दिया हो, तो हम मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं निकालना क्या है हमें, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी, तो हम नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके निकालने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से देखिए क्या है, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, पी जो होता है के एच एक्स होता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बाय के एच हो जाएगा। पी हमारा क्या है, 0.987 बार डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 76.48 बार। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बार से बार तो कट गया, मतलब इसकी कोई यूनिट तो नहीं आएगी,
हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.29 × 10⁻⁵ आ जाएगा। तो हमारे पास x जो मोल फ्रैक्शन है क्या आ गई, 1.29 × 10⁻⁵। ये जो मोल फ्रैक्शन है हमारी किसकी आई, N2 की, क्योंकि हमारे पास क्या था, पार्शियल प्रेशर भी N2 का था और हेनरीज कॉन्स्टेंट भी किसके लिए था, N2 गैस के लिए था। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई, x फॉर N2, मतलब मोल फ्रैक्शन फॉर N2 आ गई हमारे पास 1.29 × 10⁻⁵ आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गई। तो अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, N2 मोल्स, N2 के मोल्स होंगे। और साथ में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मतलब हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O के मोल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो अब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ है लेकिन हम H2O के मोल्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि H2O के नंबर ऑफ मोल्स क्या है। तो देखिए, गिवन मास हमारे पास क्या है H2O का, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मतलब हमारे पास H2O के मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ H2O का मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास मास बाय मोलिक्यूलर मास, ये होता फॉर्मूला। तो गिवन मास क्या है हमारे पास, 1 लीटर, 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम में लिख सकते हैं, क्योंकि हम ग्राम में निकालेंगे इसको। अगर हमें मोलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है H2O का, 16 + 2 = 18 होता है, तो 18 हमारे पास क्या हो गया, ग्राम पर मोल हो गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल इसके कितने आ गए, इसको कट करेंगे तो क्या आएंगे, 55.5 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, क्या आ गए, मोल्स ऑफ H2O आ गए 55.5 मोल आ गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, XN2 है, XN2 की वैल्यू पुट कर लीजिए क्या है, 1.29 × 10⁻⁵। ये हमारे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही नॉर्मल N2 लिख देते हैं। यहाँ पे नीचे भी क्या है हमारे पास, N2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं, वाटर के हमने निकाल लिए कितने हैं, 55.5 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जब डिवाइड में है हमारे पास, तो देखिए मोल फ्रैक्शन इतनी कम है तो इसके मोल्स बहुत ज्यादा कम आएंगे, तो हमारे पास क्या है, इसके मोल्स क्या है, माइनर क्वांटिटी में होंगे, तो वाटर के कंपैरिजन में तो क्या है, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये N2 जो है हमारा नेगलेक्ट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो ये क्या है, N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आ गए, 55.5। तो N2 के मोल्स जो हमारे आ जाएंगे, कर लेंगे इसको, यहाँ कर लेते हैं इसको ऊपर थोड़ा, N2 मोल्स क्या आ जाएगा, 1.29 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 55.5 आ जाएगा हमारे पास मोल्स। तो N2 के मोल्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7.6 × 10⁻⁴ मोल आ जाएंगे। ये क्या आ गए हमारे पास N2 के मोल्स। पर हमें क्या निकालने, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, हमें मोल्स नहीं निकालने, हमें मिली मोल्स निकालने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है हमारे पास ये क्या है, मोल्स आए, तो मिली मोल्स में करने के लिए क्या कर देंगे इसको, 7.16 × 10⁻⁴ 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 0.716 मिली मोल्स आ गए। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 0.716 मिली मोल्स। तो देखिए कैसे हम हेनरीज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या था, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था और हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ था। पहले हमने क्या निकाली, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाली, पर हमें क्या चाहिए था, मोल्स निकालने थे। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हैं। वाटर के हमारे पास गिवन मास था, मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो इस टाइप से आप हेनरीज लॉ को अप्लाई करके मोल्स, मोल फ्रैक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट से, H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वॉटर एट STP इज 0.195, क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्युबिलिटी। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज 0.987 bar। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है,
कि हमें क्या देगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वॉटर, कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी है H2S की कितनी, 0.195 मोल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी को किससे एक्सप्रेस कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन से। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें ये भी पता होता है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, मोल से मोल्स कट जाते हैं, तो हमारी कोई यूनिट नहीं आती। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, यूनिट मोल में दी हुई है। इट मीन्स क्या है, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S है जो डिजोल्व है वॉटर में। तो यहाँ से यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट दी हुई है, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ना होके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना है, 0.195 मोल। ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच निकालने कब, जब हमारा पार्शियल प्रेशर जो है कितना, मतलब कि हमें प्रेशर दिया हुआ है H2S का, प्रेशर ऑफ H2S कितना है, 0.987 बार। पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.987 बार है। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए H2S के, और हमारे पास क्या, पार्शियल प्रेशर, पर हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं है। हमारा जो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है वो तो मोल फ्रैक्शन पे अप्लाई होता है। तब हम यहाँ से क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स H2S के हैं, अब हमारा डिजोल्व किस में हो रहा है, वॉटर के, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ वॉटर। अब वॉटर में हमारे पास डिजोल्व हो रहा है, तो वॉटर क्या लेंगे, वन लीटर गिवन मास कितना लेंगे, 1000 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास गिवन मास कितना होता है, मोलिकुलर मास कितना है वॉटर का, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे वही आ गए 55.5 मोल आ गए वॉटर के। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स H2S के भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर के भी है, तो मोल फ्रैक्शन किसके निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल सकते हैं। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस वॉटर, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। मोल्स ऑफ H2S हमारे पास कितने हैं, 0.195 मोल है। ठीक है, और H2S के हमारे पास वही 0.195 प्लस वॉटर के कितने निकाले हमने, 55.5 मोल। यहाँ पे हमारा मार्कर भी खत्म होता हुआ, ये हमारे पास क्या है, इतने मोल्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको निकाला सॉल्व करके, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन यहाँ से आ जाएगी 0.0035। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये भी मोल्स है, ये भी मोल्स है, तो ये कट के हमारे पास यूनिट तो आएगी नहीं मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या आ गई, 0.0035 आ गई। तब हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, पार्शियल प्रेशर है, तो हमें हेनरीज लॉ लगाएंगे हम अपनी, P=KHx। हमें क्या निकालना है, हेनरीज कांस्टेंट, तो निकालिए, KH निकालने के लिए क्या करेंगे, P/X कर देंगे। P हमारे पास कितना है, 0.987 बार, G हमारे पास कितना है, 0.00035। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एच की वैल्यू हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 282 यूनिट। क्या आ जाएगी, यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं थी, इसकी बार थी, तो हमारे पास क्या आ गया, 282 बार आ गया हेनरी कांस्टेंट किसके लिए, H2S गैस के लिए। तो क्या था यहाँ पे, क्या चीज ध्यान रखने वाली थी इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी ना दी होके हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, तो हमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर निकाल के पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, पार्शियल प्रेशर हमें दिया हुआ था, तो फिर उससे हमें डायरेक्ट हेनरीज लॉ निकाल के, हेनरीज लॉ लगा के हमें KH कांस्टेंट, मतलब हमें क्या निकालना था, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो इस टाइप से आपके हेनरी लॉ से भी एग्जांपल आ सकते हैं। तो क्या आएगा, या तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ सकते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन देके, मतलब इसी टाइप से दो तीन टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा सॉल्यूशन का खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।